नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहां आपका वेलकम है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह चैनल ऑल इंडिया सभी सरकारी नौकरी की खबर देता है, लेटेस्ट एंड सभी आपके भविष्य के लिए जो काम आने वाली बातें हैं उनको सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो 44,228 पदों पर वैकेंसियां आई है जीडीएस के पद पर, उसके फॉर्म समाप्त हो चुके हैं। अब बच्चों का रिजल्ट तैयार हो रहा है। 23 सर्किल से सभी बच्चों ने खूब फॉर्म डाले हैं लाखों की संख्या में, लेकिन नौकरी हज़ारों को ही मिलेगी। अब दोस्तों, मेरिट लिस्ट तो जल्द आने वाली है, लेकिन मेरिट लिस्ट आए उससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम कर लेने हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो वो कौन कौन से चाहिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली पिछली भर्तियों का अनुभव देखा है। बच्चे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो वो क्या है, रिजेक्ट कर दिए गए थे। कारण क्या थे रिजेक्ट करने के, वो अगर आप अभी से ही जान लोगे तो कहीं ना कहीं आप भी रिजेक्ट होने से बच जाओगे। तो सभी भाई बहन लाइक का बटन दबाते हुए चैनल पर कहीं ना कहीं पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट जीडीएस का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के समय इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अवेलेबल होने ज़रूरी है। कुछ बच्चे जो जीडीएस की पहली बार नौकरी लगेंगे, कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये भी नहीं जानते कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, कितनी बार होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दो बार होगा, यानी कि पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एड्रेस है वो तो आपने फॉर्म भरते समय ही मांग लिया होगा, आपके ही घर के पास, आपके ही सर्किल के अंदर, डिविजन्स के अंदर। लेकिन प्यारे बच्चों, जो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वहीं होगा जहां आपकी नौकरी लगेगी, तो उस समय भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें तीन प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, तो उनकी किस तरीके से ट्रेनिंग होती है वो सब। उसके बाद जॉइनिंग के समय भी कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, फाइल में तैयार करके रख लो। दोस्तों, कुछ ये डॉक्यूमेंट्स आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहला इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स है जिससे ही आपकी नौकरी लग रही है, वो है मार्कशीट, यानी कि 10th क्लास का जो अंक तालिका है वह है, समझ रहे हो ना, तो इसको बिल्कुल तैयार कर लेना। आइडेंटिफाई प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो जाति का प्रमाण पत्र है, आप अलग अलग जाति से हो, कोई ईडब्ल्यूएस से होगा, कोई ओबीसी से होगा, कोई एससी और एसटी से होगा, तो पहले तो सभी कैटेगरी के बच्चों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंट्रल का यानी कि केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे हम कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो चाहिएगा। आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो इंग्लिश फॉर्मेट में होता है, सारा का सारा इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, और दूसरा स्टेट का भी जाति प्रमाण पत्र होता है वह हिंदी में होता है, लेकिन आपको सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर कोई विकलांग भाई बहन है, उनका कहीं ना कहीं विकलांग के कोटे से चयन होता है जीडीएस के पद पर, तो वो उनको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये हर साल बनता है, तो ये भी अगर ईडब्ल्यूएस से आपकी नौकरी लगती है तो ले जाना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर देखिए किसी ने ट्रांसजेंडर करवा लिया है, अपना लिंग चेंज करवा लिया है, महिला से पुरुष बन गया है, पुरुष से महिला बन गया है, तो वहाँ आपको प्रूफ के तौर पर वो प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ,
अगर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उस स्थिति में आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर अन्य कोई आईडी आप ले जा सकते हो। प्यारे बच्चों, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना पड़ेगा। अब ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आपका जो भी नज़दीकी जिला चिकित्सालय है जहां आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कहते हो सरकारी, वहां से बनेगा। ठीक है, चले जाना। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, तो टेलीग्राम को आप एक बार ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह की पीडीएफ मिलती रहती है, तो उसको निकलवा के आपका नाम पता फोटो चिपका करके जिला चिकित्सालय के अंदर चले जाना, और वहाँ कोई भी डॉक्टर बना देगा। आपके यूरिन वगैरह की जाँच होगी, कुछ नहीं है, बीपी वगैरह छोटी मोटी जाँच हो जाएगी और वो सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो कोई सा भी डिस्पेंसरी हुआ, प्राथमिक चिकित्सा हुआ, कहीं पर भी ये बनवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इस बार एक अलग डॉक्यूमेंट मांग लिया गया है, वो है लोकल भाषा का सर्टिफिकेट, लोकल लैंग्वेज। अगर दोस्तों आपने इधर नॉर्थ ईस्ट की शायद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से फॉर्म डाला है, तो वहां से अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो वहां का एक लोकल भाषा का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 23 लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उन 23 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का बनवा लेना चल जाए। ठीक है, ये सारी बातें नोटिफिकेशन में बता रखी है। अब स्टूडेंट्स यहीं से कंफ्यूज हो जाता है, समझता है कि जब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इतने ही डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो यही चाहिए, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए। कहीं यूट्यूबर्स ने भी बच्चों को भ्रमित कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपको जब आपका फर्स्ट डीवी होगा उस समय चाहिएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, इसका दो बार डीवी होता है। जब आपका सेकंड डीवी और होगा तो उस समय कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। ये जब आपके पास सेकंड डीवी के लिए मैसेज आएगा, उस समय खुद को भी पता चल जाएगा, वहां मैसेज के तौर पर आपसे बोला जाएगा कि इन इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आइएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स को, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहला है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अब वैसे दोस्तों ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट इतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपका अगर जीडीएस के पद पर चयन होता है अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में, तो वहां मांग लिया जाता है। ठीक, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन पिछली भर्तियों में कुछ बच्चों से यह मांग लिया गया था। नेक्स्ट है डोमोसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप कहते हो निवास प्रमाण पत्र, तो ये सब, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बनवाइएगा, पुलिस वेरिफिकेशन वाला होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आप पर कोई केस वेस लग रहा है तो उस स्थिति में कोई भी जीडीएस की नौकरी नहीं देने वाला, साफ साफ सुन लो, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मात्र 4 से 5 दिन में बनकर आ जाता है। आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाना, वह ऑनलाइन कर देगा, आपका जो भी थाना लगता होगा नज़दीकी, और वो ऑनलाइन करने के बाद दूसरे तीसरे दिन आप अपने थाने में जाना, वहाँ निकलवा कर वो दे देंगे। ठीक है, कोई भी कांस्टेबल वगैरह वो रहते हैं ई मित्र वाले, वहाँ भी होते हैं कंप्यूटर वाले, तो वो निकाल कर आपको दे देंगे, तो ये बन जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रंगीन कलर्ड, आपने फॉर्म भरते समय जो भी फ़ोटो लगाया उसी को आप जो है 10 फोटो बनवा लेना। ठीक है, एप्लीकेशंस प्रिंटआउट, देखिए कुछ बच्चों ने अभी फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशंस का प्रिंटआउट नहीं निकाला है, तो वो निकाल लो। आप वेबसाइट पर जाइएगा और जहाँ से अप्लाई लिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना, और अप्लाई के बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस है उस पर क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, और जो भी आपने फॉर्म डाला है उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, उसको आपके पास रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अटेस्टेशन फॉर्म। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है। ये कहां मिलेगा, तो ये नोटिफिकेशन में भी दे रखा है और ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां से भी आप इसे देख लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं तो वो आपको फिल करना पड़ता है। एंड दोस्तों अगला है अंडरटेकिंग फॉर्म। ये अंडरटेकिंग फॉर्म जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, मैं बोर्ड पर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला अंडरटेकिंग फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है,
ये आपसे कह रहा है कि जीडीएस की सैलरी के अलावा आय का अन्य स्रोत क्या है आपके पास, तो वो भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि जीडीएस का वेतन कम है, परिवार कैसे चलाओगे। दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म है कि साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते हो, तो यहाँ आपको ये यस करना पड़ता है। थर्ड नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म है कि आप लोग मोबाइल लैपटॉप हैंडलाइन डिवाइस चलाना जानते हो या नहीं जानते, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, मशीनों से काम होना हो चुका है, तो ये सब वहाँ पूछता है। लास्ट का अंडरटेकिंग फॉर्म फोर नंबर का ये पूछ रहा है कि जीडीएस की नौकरी अगर आपने इनलीगल तरीके से फर्जी तरीके से ली है और बाद में वो फर्जीवाड़ा उजागर हो जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को पता लग जाता है कि इसने फर्जीवाड़ा किया है, तो आपकी नौकरी लग जाने के बाद भी आपको जीडीएस के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये चार प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब जब आप जहां पर भी नौकरी लोगे वहां किसी सरपंच, प्रधान, कोई भी मुखिया गांव का या फिर शहर का, आपको एक कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और वहां के व्यक्ति को सिग्नेचर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, वो करवा देना, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड डीवी के समय चाहिए। एंड दोस्तों, पिछली भर्तियों में रिक्वायर्ड थी इन डॉक्यूमेंट्स की, इसलिए मैंने बताया है, बाकी कुछ जगह आपको यही इन डॉक्यूमेंट्स को बताया जा रहा होगा, इनको नहीं बताया जा रहा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कुछ ही समय बाद इनकी आवश्यकता हो जाएगी। फर्स्ट डीवी के बाद 10 से 15 दिन बाद सेकंड डीवी प्रारंभ होता है, क्यों ना अभी से तैयार कर लेते हैं। जितने भी आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह बताई है, ओरिजिनल होना चाहिए, मूल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। बाकी दोस्तों, ओरिजिनल के साथ साथ दो दो फोटोकॉपी इनकी करवा लेना और वहां पर अपने सेल्फ अटेस्टेड अपने सिग्नेचर कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, मोबाइल नंबर होना चाहिए वही जो आपने फॉर्म फिलिप करते समय दिया था, वही ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने प्रोवाइड करवाई थी। एंड यहां पर ओटीपी आता है, तो वो ओटीपी वहां आपको बताना पड़ता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे ख्याल से आपके पास होंगे ही, नहीं है तो बनवा लो, फर्स्ट लिस्ट कुछ ही दिनों में आ रही है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में तो आप लोगों का नंबर आ जाएगा। लेकिन ये क्या जरूरी है कि जीडीएस की नौकरी मिल जाएगी? अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स में कमियां है तो आप जब डीवी से गुजरोगे, भौतिक सत्यापन से गुजरोगे, तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मार्कशीट वगैरह है ये डीजी लॉकर से चेक की जाती है। पहले तो ऑफलाइन चलते थे माध्यम, लेकिन एक दो साल से अब ऑनलाइन ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ, पहली मेरिट लिस्ट आए उससे पहले मेरे सभी भाई बहन तैयार कर लो ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी शेयर कर देना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अनुभव कम है इस भर्ती का, वो तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, बस मुझे यही चाहिए, बाकी आपका प्यार और सपोर्ट अच्छा है, ऐसे ही बनाए रखो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।